नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य महेश शर्मा जी। धन्यवाद कविता, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। शनिदेव रूठा रे सारा जग छोटा। जी हाँ, कहते हैं कि जब जब किसी पे शनि की कृपा हो जाती है तो वह इंसान नीचे से ऊपर चला जाता है, सीधा आसमान छूने लगता है, उसकी तरक्की होने लगती है, घर बार धन धान्य में खूब बढ़ोतरी होती है, कार मकान सब कुछ ऐशो आराम, तो उसकी पूरी जिंदगी भर जाता है उसका ऐशो आराम से। लेकिन अगर कभी शनिदेव किसी राशि पे क्रोधित हो जाए तो उस राशि को राजा से रंग बनने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता, या फिर यूँ कहें कि उसकी जिंदगी पूरी तरह नर्क बन जाती है। तो ऐसे में आने वाले 5 साल, जी हाँ, साल 2020, साल की नई शुरुआत 2020 से लेकर आने वाले 5 साल यानी कि 2025 तक शनि के गोचर अनुसार शनिदेव किन राशियों को इन आने वाले 5 सालों में मालामाल कर देंगे, कौन से वो राशियां हैं जिन पर शनिदेव की असीम कृपा ऐसी बनी रहेगी कि वो इन आने वाले 5 साल में उनके वारे न्यारे हो जाएंगे हर प्रकार से, ये जानेंगे आज हम महेश जी से। लेकिन महेश जी, उससे पहले आप बताएंगे कि वो कौन कौन सी राशियां हैं जो आने वाले 5 साल में मालामाल रहेंगी, हर तरह से उन्हें ऐशो आराम मिलेंगे। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कि शनि का राशि परिवर्तन जो होता है वो 2.5 सालों तक रहता है जी। तो ऐसे में किस आधार पर आप ये बताएंगे कि वो राशियाँ जिसके चलते उन पर शनिदेव की कृपा उनके बारे में न्यारे कर देंगे जी। देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया कविता। देखिए, शनिदेव एक राशि पर 2.5 वर्ष शनि 3 महीने तक रहते हैं, और ये जो हम आज आपको बता रहे हैं कि 5 साल तक, आप भी सोच रहे होंगे दर्शकों की 5 साल तक कैसे पता चल सकता है कि किन राशियों के लिए ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो आपको बता दें, शनि अभी मकर राशि में है और उसके बाद शनि कुंभ राशि में आएंगे, वो भी शनि की खुद की स्वराशि होगी। तो इस संयोग में यानी कि 5 साल शनिदेव अपनी स्वराशि में ही विराजमान रहेंगे, कुछ राशियों पर बहुत ही सुंदर राज्यों का निर्माण कर रहे हैं, और ये दर्शा रहे हैं कि आने वाले 5 साल इन राशियों पर मेहरबान शनिदेव रहेंगे, सब कुछ उनको मिलेगा। अगर ये राशि वाले अभी तक तरक्की नहीं कर पा रहे थे, उनका अपना मकान नहीं था, उनके पास वाहन नहीं था, तो उत्तम मकान और वाहन का सुख उनको देंगे, सुख संपत्ति उनको देंगे, धन धान्य से उनको संपन्न कर देंगे। तो कुल मिलाकर शनिदेव मेहरबान रहने वाले हैं उन कुछ राशियों पर। चलिए फटाफट जान लेते हैं कि वो कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिन पर आने वाले 5 साल छप्पर फाड़ कर उन पे पैसा बरसेगा जी। देखिए, सबसे पहले इसमें जो नंबर 1 की राशि रहती है, सबसे पहली राशि है वो मेष राशि। यानी कि जो जातक मेष राशि वाले हैं उनके लिए शनिदेव 5 साल बहुत उन पर मेहरबान रहेंगे। वो बता देते हैं कैसे। देखिए, अभी शनि आपके दशम भाव में 24 जनवरी को आ जाएंगे और वहां पर 2.5 वर्ष रहेंगे, उसके बाद अगले 2.5 वर्ष आपके लाभ स्थान में रहेंगे। तो शनिदेव जब भी दशम और लाभ स्थान में रहते हैं स्वराशि के, तो बहुत ही उत्तम लाभ का योग बनता है। यानी कि इन 5 सालों में आपको व्यवसाय में बहुत बड़ी तरक्की हो सकती है। अगर अभी आपने व्यवसाय की शुरुआत करी है तो इन 5 सालों में आप बहुत मोटा पैसा कमा सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आप अपने व्यवसाय को किस स्तर पर शुरू करते हैं। अगर आप छोटे स्तर पर शुरू करते हैं तो आप एक छोटे व्यापारी बहुत अच्छे लेवल पर बन सकते हैं। अगर आप बड़े स्तर पर काम शुरुआत कर सकते हैं तो आप बहुत बड़े व्यापारी बन सकते हैं और करोड़ों रुपया इन समय में कमा सकते हैं। जो मेष राशि वाले, जो अगर बात करें नौकरी पेशा लोग हैं, उनको इन 5 सालों में बड़ी भारी सफलता मिलेगी, उनको उच्च पद की प्राप्ति होगी। ऐसे व्यक्ति इस समय उच्च अधिकारी बन सकते हैं, उनकी सैलरी में जबरदस्त इजाफा होगा इन 5 सालों में। कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए ये जो परिवर्तन है कविता, बहुत लाभकारी रहेगा। अगर मेष राशि वालों का स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो उसमें भी तेजी से सुधार होगा, वो पूर्ण रूप से अब स्वस्थ रहेंगे, मकान वाहन का आपका योग बनेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। मेष राशि वाले, क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगल है, तो तकनीकी क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, खासकर अगर आप बात करें जो मेष राशि वाले डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, उनके लिए डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो जर्नलिस्ट हैं, जो लेखक हैं, उनके लिए समय बहुत ही शानदार रहेगा। मेष राशि वाले जो आर्मी एयरफोर्स में हैं, उनके पुलिस के लिए है, पुलिस में है, उनके लिए भी ये समय बहुत ही लाभकारी रहेगा। तो मेष राशि वालों को ये मान के चलिए कि आने वाले 5 साल उनकी चांदी ही चांदी होने वाली है, बहुत लाभ होगा शनि के इस गोचर में। चलिए, सबसे बड़ी बात है कि राशियों में सबसे पहले मेष राशि आती है, और शनि के गोचर के हिसाब से शनि मेष राशि के आने वाले 5 सालों में वारे न्यारे करने वाले हैं। और अब आइए जानते हैं कि अगली वो कौन सी राशि है जिस पर शनि की दृष्टि पड़ते ही आने वाले 5 साल में उस राशि की किस्मत बदल जाएगी।
लेकिन दूसरी वो राशि है वृषभ राशि कविता। वो हम इसलिए कह रहे हैं कि वृषभ राशि के अगर हम देखें तो शनि भाग्य भाव में आ रहे हैं और यहाँ पर वृषभ राशि में शनि जो है भाग्येश और कर्मेश होते हैं, यानी कि भाग्य का भी सुख मिलेगा, कर्म का भी सुख मिलेगा। तो शनि 5 साल इन दोनों ही भावों में रहेंगे। जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही शुभ परिणाम आपको मिलेगा, भाग्य भी आपका साथ देगा, भाग्य के बल पर आप उच्च पद की प्राप्ति करेंगे। वृषभ राशि वाले जो कलाकार हैं उनके लिए बहुत ही शानदार समय रहेगा। जो CA हैं, जो मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो HR से जुड़े हुए हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। अगर आप अपने काम की प्रोफेशन के शुरुआती दौर से गुजर रहे हैं तो आपको बड़ी सफलता शुरुआत में मिल जाएगी। अगर आपकी आयु 30 वर्ष क्रॉस कर चुकी है तो आपके लिए बहुत लाभ कमाने का समय है। इस समय शनि वर्ष आपको रातों रात आपको कोई यश दिलवा सकते हैं, कोई बड़ा नाम दिलवा सकते हैं, कोई बड़ा पद आपको दिलवा सकते हैं। अचानक से आप वृषभ राशि वालों सुर्खियों में आएंगे और आपको मान सम्मान मिलेगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है, धन लाभ की भी प्राप्ति होगी। वृषभ राशि के जातक जिनका अब तक विवाह नहीं हो रहा था उनके विवाह के भी योग बनेंगे, संतान सुख का भी योग इस समय बनता हुआ नजर आ रहा है। तो वृषभ राशि वालों के लिए हर दृष्टिकोण से समय बढ़िया है। जो लोग इस समय नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल लोगों की बहुत इच्छा होती है कि हम विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हैं, तो देखिए आपके लिए ये बहुत ही शानदार समय है। इस समय आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा, वहाँ आपको नौकरी भी मिलेगी और आप वहाँ जाके सेटल भी हो सकते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए भी ये समय सब कुछ पाने के लिए, खोने के लिए यहाँ कुछ नहीं है। अभी तक आप शनि के ढैया के प्रभाव में थे, आपने बड़े खराब दिन देखे हैं पिछले कुछ समय से, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। कुल मिलाकर इस समय का आपको फायदा उठाना चाहिए। तो ये हमने अभी महेंद्र जी से जाना है कि मेष और वृषभ ये दो एक ऐसी राशियां हैं जिस पर शनिदेव की जब दृष्टि पड़ेगी तो इनका भाग्योदय हो जाएगा। और आइए जानते हैं कि अंतिम वो तीसरी कौन सी राशि है जिसकी तकदीर आने वाले 5 सालों में शनिदेव बदलने वाले हैं। देखिए इसके बाद जो राशि आती है वो शनिदेव की खुद की राशि मकर राशि आती है, क्योंकि शनिदेव मकर राशि में भ्रमण करेंगे पहले 2.5 साल और उसके बाद फिर कुंभ राशि में। तो मकर राशि वालों के लिए ये बहुत ही एकदम गजब का योग बनेगा, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश भी हो जाते हैं शनिदेव, तो यहाँ पर इनकी तो ये झोली भर देंगे धन से। इस समय मकर राशि वाले जो संघर्ष कर रहे थे उनको जबरदस्त लाभ मिलेगा, यानी पिछले 2-3-4 साल की मेहनत का परिणाम कविता उनको अब मिलेगा। थोड़ा देर से मिलेगा लेकिन बहुत अच्छा शुभ परिणाम मिलेगा। पैसा इनके पास आएगा, पैसा टिकेगा इनके पास, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत तेजी से मजबूत होगी। इन 5 सालों में मकर राशि वाले पूर्ण रूप से सेटल हो जाएंगे अपने बिजनेस में। जो बिजनेसमैन हैं, अगर आप लोहे का काम करते हैं, आप खेती का काम करते हैं, आपका केमिकल का काम है, तो आपको ज़्यादा बड़ी सफलता मिलेगी इस समय। कुल मिलाकर आपके लिए बहुत ही शानदार समय है। इस समय मकर राशि वाले जिनकी आयु 35 वर्ष से ऊपर की है उनको देखिए ये बहुत भारी भरकम सफलता दिलाएगा, क्योंकि मकर राशि वाले हमने देखा है कि दशम भाव का स्वामी शुक्र बनता है कविता। तो जो लोग मीडिया आर्ट्स क्रिएटिव फील्ड से हैं या बॉलीवुड में जो जिनकी मकर राशि है उनके लिए ये बहुत ही शानदार समय रहेगा, उनको बड़ी सफलता इस समय मिलेगी। तो मकर राशि वालों के लिए भी इस समय खोने के लिए कुछ नहीं है, उनको मेहनत करनी चाहिए और उनको बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो हर दृष्टिकोण से आपके लिए मकर राशि वालों ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। कुल मिलाकर आप एक ही सलाह को दी जाती है, खूब मेहनत कीजिए इन 5 सालों में, क्योंकि जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ही ज्यादा तरक्की आपकी हो जाएगी। बिल्कुल, यूं तो शनि के राशि परिवर्तन का प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ेगा और अपने अपने तरीके से अपने अपने लेवल पर, लेकिन कहते हैं कि ग्रह नक्षत्रों के ज्ञाता मेंग जी ने ये बताया कि आने वाले 5 साल खास तौर पे मेष, वृषभ और मकर ये 3 ऐसी राशि हैं जो आने वाले 5 सालों में शनि महाराज इनके बारे न्यारे कर देंगे, यानी कि इनकी तकदीर को पूरी तरह बदल देंगे, इन्हें पूरा धनवान बना देंगे हर लिहाज से। जहाँ इन्हें जिस चीज की भी जरूरत होगी उसे शनिदेव पूरी करेंगे और इन 5 सालों में इन्हें सब कुछ देकर जाएंगे। अरसे के साथ मुझे मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाजत, क्योंकि जाने से पहले एक बार फिर अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि अगर आपके भी ज्योतिष विज्ञान से संबंधित कोई भी सवाल हो, आपके अपनी खुद की कुंडली से संबंधित कोई सवाल हो या फिर घर के वास्तु से संबंधित कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं तो बेझिझक स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप स्वयं मयंक जी से संपर्क कर सकते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान मयंक जी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।